नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल वर्ल्ड ऑफ टेक्निकल में। मैं चंदन कुमार लेकर आया हूँ वेल्डर ट्रेड के लिए क्वेश्चन आंसर की 2020 सीरीज, जो आपको सभी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम जैसे ITI, रेलवे, DRDO, इसरो, ऑर्डिनेंस, ONGC, शिपयार्ड, डॉकयार्ड जैसे सभी कंपटीशन एग्जाम में आपकी हेल्प करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी 24वीं 2020 क्वेश्चन आंसर सीरीज। हमारा पहला क्वेश्चन है, क्रेटर की गहराई वेल्ड की जाने वाली प्लेट की किस बात पर निर्भर करती है, जिसका राइट आंसर है प्लेट की मोटाई पर। क्रेटर किसे कहते हैं? वेल्ड बीड के अंत में जहां हम वेल्डिंग समाप्त करते हैं वहां पर एक छोटा सा गड्ढा सा बन जाता है, उसे हम क्रेटर कहते हैं। और उस क्रेटर की गहराई किस बात पर डिपेंड करेगी? जिस प्लेट को हम वेल्ड कर रहे हैं उसकी मोटाई पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, गैस सिलेंडर के वाल्व को टूटने व दुर्घटना से बचाने के लिए वाल्व के ऊपर क्या लगा होता है, जिसका राइट आंसर है रिमूवेबल मेटल कैप। देखिए, हम जो गैस वेल्डिंग के अंदर सिलेंडर यूज़ करते हैं वो बहुत ही हाई प्रेशर पर भरे होते हैं। अगर वो सिलेंडर गिर गया और वाल्व टूट गया तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। तो सिलेंडर के वाल्व को टूटने से बचाने के लिए हम उसके वाल्व के ऊपर मेटल कैप लगा के रखते हैं, ताकि हमारा जो प्लांट है वो सुरक्षित रहे और कभी सिलेंडर गिर भी जाए तो उसके वाल्व को नुकसान ना पहुंचे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हैवी कोटेड इलेक्ट्रोड का उपयोग अधिकतर कौन सी वेल्डिंग पोजीशन में होता है, जिसका राइट आंसर है फ्लैट पोजीशन में। हमारा अगला क्वेश्चन है, गैस वेल्डिंग में 5 mm तक मोटी धातु को वेल्ड करने के लिए कौन सी वेल्डिंग टेक्निक का प्रयोग करते हैं, जिसका राइट आंसर है लेफ्टवर्ड वेल्डिंग टेक्निक का। हमारा अगला क्वेश्चन है, गैस वेल्डिंग में 5 mm से अधिक मोटी धातु को वेल्ड करने के लिए कौन सी वेल्डिंग टेक्निक का प्रयोग करते हैं, जिसका राइट आंसर है राइटवर्ड वेल्डिंग टेक्निक का। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनसाइड कैलिपर से कौन सी माप मापते हैं, जिसका राइट आंसर है आंतरिक माप। इनसाइड कैलिपर का प्रयोग किसी भी होलो सेक्शन या पाइप की इंटरनल डायमीटर को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्नियर कैलिपर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, जिसका राइट आंसर है वर्नियर कैलिपर का प्रयोग किसी भी होलो सेक्शन या पाइप की इनसाइड एवं आउटसाइड दोनों प्रकार की डायमीटर मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सुराख के आकार की जांच करने के लिए किस औजार का प्रयोग करते हैं, जिसका राइट आंसर है प्लग गेज का। प्लग गेज के द्वारा हम किसी भी होल के आकार की जांच, साइज की जांच कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, बेवल एज किसे कहते हैं, जिसका राइट आंसर है किनारों को तिरछा करना बेवल एज कहलाता है। देखिए, जब हम वेल्डिंग करते हैं तो हमें हमारे जॉब के किनारों की तैयारी करनी पड़ती है, तो यह किनारों की तैयारी का ही एक प्रकार है, एज प्रिपरेशन का ही एक पार्ट है, जिसमें जॉब के किनारों को टेपर कर दिया जाता है, इसे ही हम उस जॉब का बेवल एज कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्टील रूल किस धातु का बना होता है, जिसका राइट आंसर है स्टेनलेस स्टील का। देखिए, स्टील रूल एक प्रकार का स्टील का स्केल होता है, जिसके द्वारा हम जॉब की माप करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, लोहारी कार्य में कौन सा हैमर प्रयोग करते हैं, जिसका राइट आंसर है स्लेज हैमर, जिसको हम घन भी कहते हैं।
हमारा अगला क्वेश्चन है टिनमित एल्गुनिया किस धातु की बनी होती है, जिसका राइट आंसर है कठोरीकृत इस्पात यानी कि हार्ड स्टील की। और आपको तो पता ही है गुनिया का प्रयोग किस लिए करते हैं, किसी भी जॉब को 90 डिग्री में चेक करने के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन है मोटी शीट को काटने में कौन सा औजार प्रयोग करते हैं, जिसका राइट आंसर है शीयर का, जिसका इमेज आप व्हाइट बोर्ड पर देख सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है पतली शीट को काटने में कौन सा औजार प्रयोग करते हैं, जिसका राइट आंसर है स्निप का। ये एक प्रकार की कैंची होती है जो पतली शीटों को, मेटल की पतली शीटों को काटने में प्रयोग की जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है सिलेंडर पर रेगुलेटर लगाने से पहले सिलेंडर से थोड़ी मात्रा में गैस निकाली जाती है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, जिसका राइट आंसर है क्रैकिंग। देखिए जब भी हम सिलेंडर चेंज करते हैं, जैसे सिलेंडर खाली हो गया अब नए सिलेंडर लगाएंगे, तो नए सिलेंडर के वाल्व पर रेगुलेटर लगाने से पहले उसके वाल्व से थोड़ी सी गैस निकाली जाती है ताकि सिलेंडर के अंदर कोई भी धूल कण हो, कोई भी कचरा हो, वो बाहर निकल जाए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो उस वाल्व के अंदर फंसा हुआ धूल कण कचरा हमारे रेगुलेटर के अंदर जा सकता है, जिससे कि हमारा रेगुलेटर चौक हो सकता है, खराब हो सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है किस प्रकार की छेनी का उपयोग नहीं करना चाहिए, जिसका राइट आंसर है छत्रक छेनी। देखिए छेनी के हेड के ऊपर चोट मारते मारते छेनी का हेड फैल जाता है, इसे ही छत्रक छेनी कहते हैं और इसे ही मशरूम कहते हैं क्योंकि ये मशरूम की तरह दिखाई देता है। तो इससे क्या हो सकता है, हमारे हाथों पर चोट लग सकती है। तो जब भी हम छेनी का प्रयोग करें इस मशरूम को हटा दें और उसके बाद में फ्रेश छेनी का प्रयोग करें। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रतिरोध वेल्डिंग में अच्छी चालकता के लिए इलेक्ट्रोड को किस धातु का बनाया जाता है, जिसका राइट आंसर है तांबा धातु का। हमारा अगला क्वेश्चन है हाइड्रोलिक बैक प्रेशर वाल्व का दूसरा नाम क्या है, जिसका राइट आंसर है वाटर सील। और वाटर सील का प्रयोग कहाँ करते हैं पता है आपको? जी हाँ, लो प्रेशर गैस वेल्डिंग प्लांट में। हमारा अगला क्वेश्चन है खाली वेल्डिंग मशीन द्वारा प्राप्त वोल्टेज को क्या कहते हैं, जिसका राइट आंसर है ओपन सर्किट। यानी कि जब भी हमारी वेल्डिंग ऑन तो है लेकिन वेल्डिंग कार्य नहीं हो रहा है, उस समय जो वोल्टेज दिखाती है मशीन उसको हम ओपन सर्किट वोल्टेज कहते हैं। और हमारा आखिरी क्वेश्चन है प्लेट या चादरों को छेनी या हेक्सा से काटने के पश्चात किनारों को किस टूल्स के द्वारा साफ करना चाहिए, जिसका राइट आंसर है फाइल से। अगर हम किनारों को साफ नहीं करेंगे तो प्लेट के ऊपर जो बर है, जो मेटल कण है, वो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, हमारे हाथों में चुभ सकते हैं। ये सभी क्वेश्चन आंसर बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इन्हें आप अपने नोट्स बुक में उतार सकते हैं तथा खुद के नोट्स बना सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी अगली 2020 सीरीज जब भी आएगी तो तुरंत आपके पास पहुँचेगी। तो मिलते हैं वेल्डर थ्योरी की अगली 2020 क्वेश्चन आंसर सीरीज के साथ। थैंक यू सो मच।